नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पाउडर से बिस्किट, वो भी बिना ओवन से। अब इसे सिंपली घर में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आज की बिस्किट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। मैं इसमें ले रही हूँ ये 50 ग्राम बटर, उसको मैं रूम टेम्परेचर पर रखा था इसलिए थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हाफ कप शुगर पाउडर ले लेंगे और उसको हम छान लेंगे ताकि इसमें जो दाने हो गए शुगर का वो निकल जाएगा। अब हम उसको मिक्स करेंगे सॉफ्ट और फ्लॉपी होने तक। आपके पास अगर विक्स है तो उसकी मदद से इसको मिक्स करना है, और हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर की मदद से उसे मिक्स करिए। उसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से 5 से 6 मिनट तक ब्लेंड करेंगे ताकि ये सॉफ्ट और फ्लॉपी हो जाएगा। आप अगर विक्स की मदद से उसे मिला रहे हैं तो ये 6 से 7 मिनट लगेगा सॉफ्ट और फ्लॉपी होने तक। हैंड ब्लेंडर में ये आसानी से हो जाता है। ये देखिए ये मिक्स कितना सॉफ्ट हो गया है। अब उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदा को हम छान लेंगे पहले और उसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, यानी कि 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। अब उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और उसे भी छान लेंगे। सारी चीज़ों को हम छान लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें और अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। तो मैं सबको छान लिया हूँ। अब उसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको। मिक्स करने के बाद अब हम उसको थोड़ा सा फूड एसेंस डालेंगे। आपके पास अगर फूड एसेंस नहीं हो तो आप ना डालें। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून ये रोज एसेंस डाल रही हूँ। फूड एसेंस डालने से कुकीज़ की टेस्ट बढ़ जाता है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा टूटी फूटी और थोड़ा सा काजू। मैं यहाँ पर 8-10 काजू को काट कर इसमें डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा मिल्क डालकर उसको डो के फॉर्म में लाएंगे। मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मिल्क डाल रही हूँ और उसको मिलाकर डो के फॉर्म में लाऊंगी। डो जैसा उसको बनाएंगे मिलाकर, बस उसे मिलाकर एक डो के फॉर्म में लाना है, उसको गूंदना नहीं है। शुगर की वजह से ये हाथ में थोड़ा सा चिपकता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और डो जैसा बन गया है। अब उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक क्लीन रैप में या फिर बटर पेपर में, आपके पास जो भी है आप उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लें और उसको सेप दे देंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगाकर उसको हम सेप देंगे स्क्वायर सेप, या फिर रैपर से उसको कवर कर लें और इससे सेप देंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम उसको फ्रिज में रख लेंगे 20 मिनट तक। तो डीप फ्रीजर में आप उसे रखें 20 मिनट तक ताकि ये हार्ड हो जाए। बेक करने के लिए हम एक मोटे वाला कढ़ाई ले लेंगे, उसको प्रीहीट करेंगे लो फ्लेम में 10 मिनट तक। अब कढ़ाई के ऊपर एक स्टैंड रख लेंगे। अब हम उसमें बेक करने के लिए एक ट्रे रेडी कर लेते हैं। ट्रे के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर और उसमें रखेंगे ये बटर पेपर। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ बटर लगा सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे। बेकिंग के लिए ट्रे रेडी है। 20 मिनट हो चुका है। अब हम उसको फ्रिज से निकालेंगे और उसका कट करेंगे स्क्वायर शेप में, थोड़ा सा मोटा मोटा उसको हम कट कर लेंगे। देखिए कितना कलरफुल और अच्छा दिख रहा है। बेक होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब हम उसको सेट कर लेते हैं। अब उसको एक एक करके ट्रे में रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे ताकि बेक होने पर साइज में डबल हो जाते हैं। अब उसे रखेंगे कढ़ाई के ऊपर और उसे कवर कर लेंगे और उसको 20 मिनट तक लो फ्लेम में हम बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कस्टर्ड पाउडर बिस्किट बनकर तैयार है। बिस्किट के साइड में थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा तो ये अच्छे से बेक हो चुका है।
अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको निकाल लेंगे। बाहर उसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दें और कुकीज़ को निकालें, नहीं तो ये टूट जाएगा। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।